Assalamu alaikum. I'm Tanveer Khan. I'm there in Saudi Arabia in Makkah region with my family, and we are here with Maulana Zubair Attari, and he is going to explain us about the Makkah and about the oldest thing and about the real fact scenario story. So I'm introducing you people to Maulana Zubair Attari. Now please listen him carefully. तकरीबन 39 किलोमीटर या कुछ कम या ज़्यादा के फासले पर जो ये जगह है मकाम हुदैबिया, तो इस मकाम पर 1400 सहाबा इकराम जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और जिसमें एक हबशी गुलाम खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि बार बार हुज़ूर के दाढ़ी को हाथ लगा रहा है, बार बार हुज़ूर के रेश मुबारक को छू रहा है, तो उन्होंने तलवार का दस्ता खींच के हाथ में मारा और कहा वो हाथ पीछे कर, तुझे पता नहीं है कौन है। तो लोगों से पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये फला बिन फला है। तो अब उरवा बिन, हम सबसे पहले जा रहे हैं सुले हुदैबिया, ये एक इलाके का नाम है, और 6 सीधे हिजरी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना तशरीफ ले गए, तो अबू जहल आगे बढ़ा, तो बदर में रुका था। इंशाल्लाह हम आएंगे फिर बदर में, बताएंगे बदर कहाँ। तो बदर सुलह होनी है, हुदैबिया चल रहे ना सीधा, वापसी भी म्यूजियम हो लेंगे। तो उनका नाम है अबू जंदल रदी अल्लाह तआला, इस तरह बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला होते हैं, हजरत अम्मार बिन यासिर थे जो मज़लूम सहाबा कहलाते थे, जो अहले मक्का जिनको अल्लाह तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस वक्त हम सऊदी अरबिया का शहर मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादल्लाहु शर्फ़ व तअज़ीमन में हाजिर है, और आउट ऑफ मक्का में इस वक्त हकीकत यह है हाजिर है, आउट ऑफ मक्का। सुलह हुदैबिया एक वादी है, वहाँ पर हम लोग हाजिर हैं, और ये वो वादी है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सीने हिजरी में 1400 सहाबा इकराम को लेकर उमरे के लिए तशरीफ़ लाए थे। हुदैबिया से करीब एक वादी है सहरा बहुत बड़ा, जहाँ पर ऊँट कसरत से पाए जाते हैं। यहाँ जो हुजाज इकराम हैं, मोहतरमीन उमरा करने वाले, दूध पीने के लिए, नोश करने के लिए या तफरी के लिए यहाँ पर आते हैं। हम भी आए हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताला ये सफ़र कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ठीक है, जगह ये नाम क्या है? सुलह हुदैबिया इन मक्का इन सऊदी अरेबिया। अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, वो मकाम खास जहाँ पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा इकराम के साथ आराम फरमाते थे। इंशाल्लाह वहाँ हम जाएंगे। चल बेटा, चल आगे चल। चले कासिम भाई आ जाए, हैवी होता है ना, आ जाए। चले बैठे, वापस में इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, रोके कुआं भी दिखाएंगे। हाँ, अब हमारी हर नेकी एक के बराबर हो गई, एक करेंगे तो एक ही बाहर निकल गया। अभी तक एक का 1 लाख था। ऐसी है, बहुत ज्यादा पुरानी है,
1200 साल 1300 साल 250 साल 350 साल 200 साल पुरानी, लेकिन सबसे जो कदीम शे है पुरानी वो है काबा मुशर्रफा के छत के नीचे जो सुतून लगाया गया था उस ज़माने में, ज़माना था हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इन्हीं के ज़माने में ये सुतून जो है वो तब्दील किया गया, और जो वहाँ से निकाला गया बैतुल्लाह शरीफ के नीचे छत के नीचे से वो ये म्यूज़ियम भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फरमा है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे भी दूसरे वीडियो में, इंशाल्लाह उसको शामिल करेंगे। और हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो कुरान करीम लिखा गया था उसका नुस्खा मौजूद है वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हुदैबिया का सफ़र जारी था हमारा, अब वापसी हो रही है और हुदैबिया से हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। हुदैबिया ये आउट ऑफ मक्का में आता है, मक्के के बाहर है, और दौरे कदीमा का जो रोड है मक्का टू जिद्दा उस पर ही आता है। मेरा बच्चा बैठा हुआ है, इसे भी साथ पाते हैं। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग मक्के शहर में घूम रहे हैं, अभी हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर सफ़र करें, आप लोग भी ज़रूर सफ़र करें, इंशाल्लाह अल्लाह सबको हिदायत दे यहाँ पे आने के लिए। आमीन आमीन। सलाम का दरवाज़ा है या उसके बाजू वाला दरवाज़ा है, और ये मस्जिद नबवी शरीफ का नक्शा है, ये गुम्बद खज़रा है। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो आब जमज़म के कुएँ के ऊपर जो जाली लगी थी, आब जमज़म का कुआँ तकरीबन 150 साल पुराना है, 1299। पहले लोग डोल से पानी निकालते थे इधर आगे। ये काबा है, ये मुकाबे इब्राहिम, उसके पीछे से तकरीबन 20-25 कदम आएंगे तो ये आबे जमजम का कुआं यहाँ पे। अभी ये खुला था, ऊपर से इन्होंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ से हम लोग नीचे उतरते थे पानी पीने के लिए। ये है आबे जमजम का कुआं, जहाँ से करोड़ों टन पानी निकाला जाता है। नहीं ये तो अंदर अब ब्लॉक हो गई, ये सब हम देखें।